Hello everyone, hope you all are doing well. Today we are going to discuss about when will your environment exam will be held. आज हम discuss करेंगे कि आपका environment का जो exam है वो कब held होगा. देखो, सबसे पहले जो environment का आपका paper है उसका name है environment and road safety women education भी है उसके अंदर. ठीक है, अभी जो student date sheet देख रहे थे उसके अंदर 10th को आपका पेपर था एनवायरनमेंट कंजर्वेशन का, वो बीएससी वालों का एग्ज़ाम था. बड़े सारे स्टूडेंट को ये डाउट रहा कि एनवायरनमेंट का जब भी होगा एनवायरनमेंट का पेपर हमारा तो नहीं है वो. नहीं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपके एनवायरनमेंट के एग्ज़ाम का नेम क्या है. आपका एनवायरनमेंट का पेपर है एनवायरनमेंट रोड सेफ्टी एंड वुमेन स्टडी, इसमें ये सब कुछ आएगा. ठीक है, अभी आपको इससे कहाँ से तैयारी करनी है, मैंने ऑलरेडी इन्वायरमेंट की प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ से देख सकते हो. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं उसके अंदर, और उसके अंदर क्या है, कहाँ कहाँ से आपको सिलेबस मिलेगा, कहाँ से पढ़ना है, एक्स्ट्रा कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं होती है. ठीक है, उसके बाद जो आपका ये एग्ज़ाम होता है वो सबके लिए सेम होता है, चाहे आप पीयू के किसी भी सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, आपका सेम होगा अगर आप ग्रेजुएशन में हो. ठीक है, ये भी डाउट आपका क्लियर हो गया होगा होप. ठीक है, पेपर आपका सेम आएगा, यूसोल वाले स्टूडेंट उनका भी सेम आएगा, प्राइवेट वालों का भी और रेगुलर वालों का भी, सबका पेपर सेम आएगा. बीए का हो, चाहे बीएससी का स्टूडेंट हो, चाहे बीकॉम का स्टूडेंट हो, किसी भी क्लास का, किसी भी सेमेस्टर का, विद इन ग्रेजुएशन आपको ये पेपर देना होता है. इसे पास करना बहुत ज़रूरी होता है, आपको डिग्री जब तक नहीं मिलती जब तक आप एनवायरमेंट का ये पेपर पास नहीं कर लेते. पहला चांस आपको कब मिलता है पास करने का, इसे सेकंड सेमेस्टर में, उसके बाद आपको फोर्थ सेमेस्टर में, फिर सिक्स सेमेस्टर में आप एग्ज़ाम पास कर सकते हो. अब आपको डाउट आ रहा होगा आपका एग्ज़ाम कब होगा. देखो, पिछले दो सालों से जब से कोरोना था तो आपका ये एग्ज़ाम ऑनलाइन करा दिया था कंडक्ट. उससे पहले का अगर मैं आपको सिस्टम बताऊँ, वो एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन होता था. ऑफलाइन होने के साथ साथ आपका मई के पेपरों से पहले हो जाता था ये एग्ज़ाम. जैसे अगर मई के आपके पेपर शुरू हो रहे हैं 6 मई से, तो एनवायरनमेंट का पेपर 1 या 2 तारीख को यूनिवर्सिटी कंडक्ट करा दी थी अपने अपने कॉलेजेस में या सेंटर्स के अंदर. अब एनवायरनमेंट की कोई डेट शीट आई नहीं अभी तक, अभी तक यूनिवर्सिटी क्लियर नहीं है कि एनवायरनमेंट का पेपर आप ऑनलाइन दोगे ऑफलाइन दोगे. ज़्यादातर चांसेस हैं क्योंकि कोरोना भी ख़त्म हो चुका है, मई में जो आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं वो ऑफलाइन चल रहे हैं, तो अब की बार भी आपका एनवायरनमेंट का पेपर क्या होगा, ऑफलाइन होगा. आपको वैसे सेंटर्स में आके, जो बच्चे कॉलेज के हैं कॉलेज में आके अपना रोल नंबर लेके एनवायरनमेंट का पेपर देना होगा. एनवायरनमेंट का पेपर आपका ये जो कंप्लीट हो जाएंगे पेपर, मोस्ट प्रोबेबली जून के अंदर ही आपका पेपर ले सकते हैं जैसे वो आ रहा है. क्योंकि देखो, जुलाई में 6 सेमेस्टर का रिजल्ट निकाल देंगे क्योंकि अगस्त में एडमिशन होते हैं मास्टर्स के, तो क्या होएगा इनको ये जुलाई में आपका मोस्ट प्रोबेबली, तो मैं जून के अंदर कभी भी आपका ये पेपर ले सकते हैं. एनवायरनमेंट का डेट शीट आपको ये बता देंगे, तैयारी आप रखो अपनी. आपको बीच में गैप मिलता है पढ़ने का छुट्टियों के अंदर, तो आप उनके बीच में अपने निकाल के वीडियो सुन के देख सकते हो आपने कहाँ कहाँ से मटेरियल लेना, ट्रैफिक के क्या रूल्स हैं, क्या सिग्नल है, वो जो एक कार्ड से आते ही कौन कौन से सिग्नल्स होते हैं ट्रैफिक के, पहाड़ी इलाके पे चलते हुए डीप एसेंट हो गया, ये हो गया, इन्फॉर्मेटिव साइन कौन से होते हैं, पार्किंग के अंदर हाईलाइटर जो यूज़ करते हैं वो लाइट्स को, ये भी पूछ लेते हैं, बैटन्स बोलते हैं उसे. ठीक है, ये सब चीज़ें आपको ट्राफिक के ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे. इन्वायरमेंट में आपको रोड सेफ्टी वाला आएंगे, और इन्वायरमेंट में आप वाला चैप्टर है जो सोइल वाला है, चैप्टर आपका लिथोस्फेयर हाइड्रोस्फेयर, इस तरीके से आपने पढ़ना है. मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, आप वहाँ जाके देख सकते हो जो प्लेलिस्ट बना रखी है. जून के अंदर ज़्यादा चांसेस हैं इन्वायरमेंट के एग्ज़ाम होने के. क्यों हैं ज़्यादा चांसेस, क्योंकि जुलाई के एंड तक आपका रिजल्ट निकालने शुरू कर देते हैं ये 6 सेमेस्टर के. जैसे कई स्टूडेंट हैं 6 सेमेस्टर के, उनका पास नहीं हुआ था सेकंड सेमेस्टर में एनवायरनमेंट का, फोर्थ में भी नहीं हुआ, सोचो, तो उनके पास लास्ट चांस होएगा अपनी डिग्री के साथ लेने का ये. तो इसीलिए अभी क्लियर नहीं है यूनिवर्सिटी की तरफ से, पर मोस्ट प्रोबेबली जून के अंदर वो कंडक्ट करा सकते हैं. होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करो और अपने और फ्रेंड्स के साथ भी ये शेयर करो, क्योंकि ये बड़े सारे स्टूडेंट्स को डाउट है कि एनवायरनमेंट के एग्ज़ाम से रिलेटेड. Thank you very much. Have a nice day.